किसी कीमत पर किसानों को नहीं करने दिया जाएगा दिल्ली कूच। रोहतक झज्जर बॉर्डर पर पुलिस की 5 कंपनियां तैनात, सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। कृषि के लिए बनाए गए 3 कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली चलो का नारा देकर 26 व 27 नवंबर को दिल्ली घेराव का ऐलान किया था। हिसार से दिल्ली जाने वाले नेशनल हाईवे नंबर 9 पर रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस की 5 कंपनियां तैनात की गई हैं। रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर पर 400 पुलिस के जवान तैनात हैं, जो वाहनों की जांच करने के बाद ही दिल्ली की ओर जाने दे रहे हैं। यही नहीं, झज्जर जिले में दिल्ली की ओर जाने वाले छोटे रास्तों पर भी 17 नाके लगाए गए हैं। रोहतक झज्जर बॉर्डर पर रोहतक पुलिस के DSP नरेंद्र कादियान व झज्जर पुलिस के DSP राहुल देव शर्मा को सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपी गई है। उन्होंने बताया कि उनके पास किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स है। झज्जर जिले की 3 कंपनी व रोहतक जिले की 2 पुलिस कंपनियों को तैनात किया गया है। यही नहीं, दंगा निरोधक दस्ता भी हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। DSP नरेंद्र कादियान का कहना है कि अगर कोई दिल्ली कूच के लिए आता है तो उसको पहले समझाया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सख्ती का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, और वो किसी भी कीमत पर किसानों को दिल्ली की ओर कूच नहीं करने देंगे। ये हमने प्रॉपर बैरिकेटिंग कर रखी है, और जब भी यहाँ किसान आएंगे तो उनको शांतिपूर्वक समझाया जाएगा और उनको दिल्ली कूच बिल्कुल भी नहीं करने दिया जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि उनको जो ना यहीं पे रोका जाए, और हमारे पास प्रॉपर फोर्स है। 2 कंपनियां रोहतक से आई हुई हैं, 3 कंपनी झज्जर पुलिस की हैं, हम 2 DSP लगाए गए हैं, और पूरे अरेंजमेंट है हमारे पास, वाटर कैनन है और सारी चीज़ें हैं। देखो, कुछ भी हो सकता है, एक किसान आंदोलन के उसमें है तो किसी भी रोड से आ सकते हैं वो, क्योंकि जो सिरसा और हिसार उसका रूट यही बनता है। तो ये किसान का आंदोलन देखते हुए हमने ये अपने प्रबंध किए हुए। फोर्स के अलावा और क्या क्या है सर, जैसे वाटर कैनन या इस तरह की हर चीज़ अवेलेबल है? हाँ, एंटी रोएट और सारी चीज़ें हमारे पास हैं। जैसे भी सरकार की तरफ से आदेश होंगे, अफसरों के आदेश होंगे, उसके अनुसार ही कार्रवाई की। पूरे सुरक्षा के प्रबंध कर रखे हैं हमारे, हमने नाके लगा रखे हैं, और जितना हम प्रयत्न करेंगे उनको रोकने का अपना पूरा इंतजाम कर रखा है। बैरिकेडिंग हमने प्रॉपर कर रखी है, प्रॉपर हमारे पास फोर्स है, और जैसे आदेश होंगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हमारे पास 400 मुलाजिम हैं यहाँ पे, कई DSPs लगा रखे हैं, ADC साहब हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स हैं, और अलग अलग पॉइंटों पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा रखे हैं, और पूरा सुरक्षा का प्रबंध कर रखा है। सभी जगह हमने टोटल इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स पे 11 नाके लगा रखे हैं।